अच्छा देखना, आपको जो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है 2.1, उदाहरण नंबर जो 2.1 उसकी अपन बात कर रहे हैं, आपको दे दिया इस 2.1 के अंदर एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर जिसका कि परिमाण जो है आपको दे रखा है 200 i कैप + 300 j कैप, और उसका जो मात्रक है वो दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर में या वोल्ट पर वोल्ट मीटर यूनिट्स, ठीक है। दूसरा आपको क्षेत्रफल सदिश का मान भी दे रखा है, एस वेक्टर बराबर ये कितना दे रखा है 5 × 10⁻³ जे के क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आपको क्षेत्रफल का मान दे दिया। आपसे पूछ लिया कि जो क्षेत्रफल है इससे पारित होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर दो, तो बहुत आसान है, हम तो कर देंगे क्योंकि अभी अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखकर आए हैं। और फॉर्मूला देखो क्या कहता है, न्यूमेरिकल से कभी मत घबराना, न्यूमेरिकल जितनी आसान चीज कुछ होती नहीं है। आपके अगर 3 नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर का 6 नंबर का न्यूमेरिकल आते हैं ना, मतलब ये नहीं कह रहे 6 नंबर का बड़ा न्यूमेरिकल, बल्कि 2-2 नंबर के अगर आपके 3 नंबर आते हैं तो सोने पे सुहागे वाले आपके वो 3 नंबर, मतलब 50 नंबर तो थ्योरी में आ जाते हैं, और 6 नंबर जो न्यूमेरिकल वाला खेल होता है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। और आप सभी जो मेरे प्यारे विद्यार्थी है, सभी के सभी जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको आने ही आने चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता आप नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ठीक है, आपको मैं तुरंत यहां पर हाथों हाथ वीडियो सॉल्यूशन उसका जो वो अवेलेबल करवा दूंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो देखो लाइक करने से बिल्कुल मत हिचकिचाया करो, बहुत ही देख रहा हूं मैं व्यूज तो काफी चले जाते हैं लेकिन लाइक्स बहुत, मतलब डर लगता है यार, पैसे लगते हैं लाइक करने के, तो दबा के लाइक किया करो, जितना उसको उतना शेयर भी किया करो। देखो वीडियो को अब आगे देखो, अपन इसकी बात करते हैं। इसने कहा ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं लेकिन ये तो मैं आपसे पूछूंगा, अपन ने कहा पूछ ले क्योंकि ये तो हमें आता है। क्या आता है हमें, क्योंकि हमने चूंकि अभी भी देखा था फाई ई वैक्टर बराबर ई वैक्टर डॉट एस वैक्टर, ये तो हमने अभी भी बात की है, तो क्या दिक्कत है, इसको रख देंगे यहाँ पे मान, जो आपका फाइव ई वैक्टर ये बराबर है, ई वैक्टर का मान कितना देखो फटाफट बताओ 200 i कैप + 300 j कैप, ये तो आपके किसका मान है ई वैक्टर का। क्या मैं डॉट प्रोडक्ट करना मुझे तो एस वैक्टर का मान रख दूं यहाँ पे, बिल्कुल रखना पड़ेगा वरना अपना उत्तर कैसे आएगा 5 × 10³⁻³ j कैप। अब देखना एक चीज यहां पर आप लोगों ने नोटिस किया तो यहां पे आई कैप का मान भी आपको दे रखा है और जे कैप के लिए भी वैल्यू है, यहां पर तो केवल जे कैप के लिए दे रखी है भाई, आई कैप के लिए है ही नहीं, तो आई कैप को अकेला छोड़ेंगे या नहीं, उसको भी शामिल कर लेते हैं अपने क्या लगता है। तो मैंने क्या कर लिया, 0 i कैप लिख दिया, 0 i कैप लिखने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये खुश भी हो गया, प्लस बाकी जो ऐसा कैसा है उसको लिख दिया 5 × 10³⁻³ j कैप, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए होता ही है, कोई समस्या नहीं। अब मैं यहाँ पे भी इसको लिख दूँ तो ज़्यादा बढ़िया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और ये भी खुश रहे। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 0 i कैप + 5 × 10⁻³ j कैप, ये मैंने लिख दिया। अब देखना जब भी अपन गुणा करते हैं अदिश गुणनफल के अंदर तो जो आई केप वाला पद होता है वो आई केप वाले के साथ गुणा होता है और जो जे केप वाला होता है वो जे केप वाले के साथ गुणा होता है, तो अपन इसको करके लिख देते हैं क्या दिक्कत है। फाइव ई बराबर देखो 200 को गुणा करूंगा मैं, इधर आई केप वाला कौन सा है 0, जो 0 से टकराएगा वो खुद 0 ही बन जाएगा, तो ये तो देखो आगे जाके 0 हो जाएगा, अगले स्टेप में इसको 0 कर देंगे। प्लस जो प्लस का निशान है दोनों के बीच में तो मैंने लिखा प्लस 300, ये जे केप वाला है इधर जे केप वाला ये है, तो दोनों आपस में होंगे गुणा, यानी 300 × 5 × 10³⁻³, ये कौन से हैं जे केप वाले, कोई समस्या नहीं है। ये तो देखो हो गया 0, तो इसको मैं लिखने की जरूरत समझता नहीं हूँ तो इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। देखो 3 को 5 से गुणा करो कितना आएगा 15, तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 15, 2 0 थे मैंने लगा दिए 2 0। अब देखो 10³⁻³ है, 10³⁻³ इसके साथ गुणा में है, तो अगर मैं इसको देखो बट्टा में लेके जाऊंगा तो 10³⁻³ हो जाएगा और 10³⁻³ को अपन क्या बोलते हैं 1000। और आपको पता है जब भी अपन कभी ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसके नीचे 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो जितने 0 होते उतने अपन ऊपर संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो नीचे देखो 3 0 है ना, तो मैं 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3, यानी यहाँ पे मैंने लगा दिया पॉइंट, तो आगे वाले 0 का तो कोई मतलब रहता नहीं, कितना आएगा केवल 1.5, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.5। और लास्ट में देखो ये जे केप है ये लगा दिया मैंने, जे केप यहाँ पे बचेगा नहीं ना, जे केप को जैसे जे केप से गुणा करेंगे तो हट जाएगा, क्योंकि देखो ये कैसा गुणनफल है, अदिश गुणनफल हम लोग कर रहे हैं, और लास्ट में जो अदिश होता है उसके ऊपर न अपन आई लगाते हैं न अपन जे लगाते हैं न अपन के लगाते हैं, ऐसा कैसा छोड़ देंगे। और इसका मात्रक अभी भी अपन ने देखा था क्या था वोल्ट मीटर, अच्छा एक मात्रक मैंने आपको बताया था, एक तो था आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, ये तो मैंने बता दिया था, ये एक मात्रक मैंने बताया नहीं था, वोल्ट मीटर भी इसका क्या होता है मात्रक होता है। वोल्ट पर मीटर तो है देखो विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और यहाँ पर ये फाइव ई जो है ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर इन्वर्स दोनों में फर्क है, वो विद्युत क्षेत्र के लिए ये आपके है विद्युत फ्लक्स के लिए। ये आपका पहला न्यूमेरिकल 2.1 मैंने करवा दिया, 2.2 के अपन फटाफट से बात करें। दूसरा न्यूमेरिकल 2.2 ये आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखा दूंगा मैं, और इसके अंदर देखो है क्या, एक बेलनाकार आपको पाइप दे रखा है, ठीक है, देखो बेलनाकार पाइप के लिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये एक कोई बेलनाकार पाइप है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भरवा पाइप है। अब इसको अपन ने किसी एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रख रखा है, ये विद्युत क्षेत्र जो है वो इस प्रकार से गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में से भी गुजर रहा है, चलने दो। अब देखना यहाँ पर 3 ये पृष्ठ ले रहे हैं,
एक तो ये वाली जो सरफेस है इसकी बात करें, इसको इसने नाम दे दिया S1। एक इस वाली सरफेस की बात करें, इसको इसने नाम दे दिया S2। और एक ऊपर ले रह गया, एक यहाँ पर सतह ले ली इसने, जिसका नाम इसने दे दिया S3। ठीक है, अब देखो आपसे बोल कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। बेलन की अक्ष हमेशा इसके बीच में से ऐसे गुजरती है, विद्युत क्षेत्र के क्या है ये अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य है, यानी इसने अगले ने अपन को बता दिया कि शून्य तो है, अब आप कैसे करके इसको सिद्ध कर दो, ओपन कर देंगे क्योंकि हम तो सारे धुरंधर हैं इस चीज में। देखो आपने पहले क्या देखा, इस S1 सरफेस की बात करते हैं। अब इस S1 पर देखो कोई ना कोई लगेगा बल, अभी भी अपन ने बात करी थी फाई ई, अपन को विद्युत फ्लक्स की बात करनी है, बल की तो बात अपन करनी है। फाई ई बराबर अभी भी अपन ने क्या देखा था, ई एस कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला अपन लेते हैं। क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो तीन अलग अलग सरफेस होगी और यहाँ पर कोण का प्रभाव पड़ेगा। मैंने आपको कहा था जरा जरा के कि जो विद्युत फ्लक्स है ये ई पर डिपेंड करता है, एस पर डिपेंड करता है, और इन दोनों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखना फर्क पड़ेगा कैसे। देखो S1 जो है इस सतह, ये जो आपके सतह है, सरफेस है, आपका क्षेत्रफल या तल है, इसकी दिशा हमेशा इसकी होगी लंबवत, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे बोर्ड, तो बोर्ड की दिशा जो होती है उसके लंबवत होती है, तो इसकी दिशा इसके लंबवत यानी इस तरफ होगी, ये S वेक्टर का मान हो गया। और विद्युत क्षेत्र जो है वो किस तरफ है, वो खुद भी इसी तरफ है, यानी ई वैक्टर जो है पहले से इस तरफ है, ये ई वैक्टर की दिशा। तो मुझे ये एक बात बताओ, इस ई वैक्टर और एस वैक्टर के बीच में कोई कोण बन रहा है? अगर देख लो ये कोई बिंदु है, एक रेखा इस तरफ जा रही है और दूसरी रेखा में अगर इसी के ऊपर से जाती हुई बना दूं एकदम, इसको कवर करते हुए ढकती हुई संपाती रेखा, तो दोनों के बीच में कोई कोण होगा क्या? कोई कोण नहीं होगा, अर्थात बनने वाला कोण कितना होगा, जीरो डिग्री। तो इस पहले केस के लिए यानी जो आपकी S1 सतह है उसके लिए अगर मैं देखना चाहूँ, फाई ई एस वन लिख देता हूँ उसको, ठीक है कोई समस्या नहीं है। तो ये कितना होगा, देखो ई एस और कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हो एक होती है प्लस की, तो इसको मैंने छोड़ दिया, इतना इसका मान आ गया। दूसरा S2 सरफेस की अपन बात करते हैं, देखो इसकी सतह की जो दिशा होती है वो भी इसके तल के लंबवत होगी। इसकी देखो दिशा इस तरफ, लंबवत तो है इसके, लेकिन इसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा तो किस ओर जा रही है, उस ओर जा रही है, यानी आपकी इस S2 की जो दिशा है, S2 वेक्टर, वो तो है इस तरफ, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इसी के ऊपर, वो है इस तरफ है, दोनों दूसरे विपरीत दिशा में है। अगर कोई एक बिंदु मैं यहां पर लूं, एक रेखा इस दिशा में खींचूं, दूसरी रेखा इसी बिंदु से इस दिशा में खींचूं, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और कोस 180 की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, माइनस वन होती है। अब अगर मैं वो वैल्यू यहाँ पे माइनस वन रखूंगा, तो माइनस वन को ई एस से गुणा करूंगा, तो क्या आएगा, माइनस का ई एस, यानी फाई ई एस टू आपका कितना आ गया, माइनस का ई एस आ गया। ये समीकरण मैंने दे दी दो। अब बात कर लेते हैं इस S3 की। इस S3 जो सतह है इसकी दिशा कहाँ होगी, इसके लंबवत, ये देखो ये लंबवत रही, ये किसकी है, S3 की दिशा, ये S1 की थी भी। और आपको विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, यानी E वेक्टर की दिशा की ओर। दोनों के बीच बनने वाला कोण देखो भाई कितना है, 90 डिग्री का। और आप सभी जानते हो कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 की वैल्यू होती है हमेशा जीरो। तो जैसे मैं इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे कोस थीटा की जगह जीरो रख दूंगा, तो जीरो से गुणा होकर ई और एस भी जीरो से जो टकराएगा खुद जीरो बन जाएगा। यानी आपके जो फाइव ई एस थ्री है वो कितना आ गया, फाइव ई एस थ्री आ गया जीरो। समीकरण नंबर तीन, तीनों से अपने निकाल ली, जो तीनों आपकी सतहें दे रखी थी अपने तीनों के लिए बात कर ली। अब इससे तो क्या पूछा था, सिद्ध करो कि कुल जो पारित विद्युत फ्लक्स है वो शून्य होता है। तो अभी तीनों को अपन जोड़ देंगे और जोड़कर देखते हैं क्या सच में शून्य होता है कि नहीं होता, क्योंकि अपन को प्रूफ करवा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने किया समीकरण एक दो और जो तीन है को जोड़ दिया, को जोड़ने पर या दोनों का एडिशन, तीनों का एडिशन करने पर, जोड़ने पर। अब देखो जैसे मैं तीनों को जोड़ता हूं, तीनों को जोड़ने का मतलब क्या है, फाइव ई एस वन प्लस फाइव ई एस टू प्लस फाइव ई एस थ्री। तीनों को जब मैंने जोड़ा तो यहां पर प्लस का ई एस है, ये माइनस का ई एस, प्लस ई एस और माइनस का एस, प्लस का चार माइनस का चार कट के कितने, जीरो। तो ये ई एस से ई एस तो कट गया माइनस होके, और एक जीरो, जीरो में जीरो जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फाइनल आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, बोलो कितना आसान है मेरे कहला। और हम देख के डर जाते हैं, बायोलॉजी वालों आपके लिए कह रहा हूं बहुत आसान है चीज़ें, बस इनको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना प्रारंभ कर दो। और अगर आप यहाँ पर हो और ये सब चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है आपको वो ज़रूर ज़रूर बनने वाला है, और आपको उसको बनाए हुए रखना है, हरदम बनाए रखना है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करते रहना भाई, दिल से लाइक किया करो, और जितना उसके दबा के अपने क्लासमेट्स को शेयर कर दिया करो। अब आगे अपन पढ़ते हैं, और अगला जो तीसरा न्यूमेरिकल है उस पर मूव ऑन। अच्छा, एक कुछ बच्चे ये क्वेरीज कर रहे थे कि सर बुक्स तो हमें मिल नहीं रही है, तो अपन हम कहाँ से पढ़े। तो देखो मैंने खुद ने भी बुक डाउनलोड ही कर रखी है मेरे खुद के पास, अभी वैसे ऑफलाइन कोई बुक अवेलेबल है नहीं, जो थी वो कोचिंग में पढ़ी है, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक हालांकि एक पहले वीडियो के अंदर दिया था, आज वाली इस वीडियो के अंदर दोबारा आपको एक लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली आपकी जो बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हो। और 12th और 10th का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपके अभी भी आरबीएससी वाली जो बुक्स है वही लग रही है। तीसरे देखो न्यूमेरिकल की अपन बात करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट है, एक आपको वृत्ताकार शीट दे दी, ये
ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी इसके केंद्र से इसकी परिधि की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसके केंद्र को ओ मान लेता हूं। फिर इसने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र कैसा है, समांतर रेखाएं उसके अंदर से गुजर रही है, इसकी आपको वैल्यू दे दी। देखो एक तो आपको त्रिज्या बताई r बराबर 5 सेंटीमीटर और एक आपको बता रहा है ये विद्युत क्षेत्र बता रहेगा, विद्युत क्षेत्र बता रहा है ये ई वैक्टर बराबर 5×10^5 वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इन्वर्स, एक ही बात है। इसमें स्थित है इस प्रकार से, स्थित है कि इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। इसका जो तल है, मान लीजिए इसका जो तल, तल का मतलब क्या, इसकी जो दिशा है वो, और ये विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा होगा, तो इस विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। फिर ये बोल रहे हैं शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर दो, तो ये तो बहुत ही आसान, कुछ पूछा ही नहीं इसके अंदर, तो सब कुछ दे दिया अपन से, क्या पूछा है, विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, फाई ई बता दो, इसने पूछा तो हम तो कहेंगे, हम तो बताने के लिए तैयार बैठे भी, हम तो तक रहे हैं कब आप हमसे पूछो और कब हम बताएं। तो इसकी फॉर्मूला जो अभी भी आपने देखा था क्या था, ई एस कोस थीटा, चूंकि थीटा दे रखा है तो अपन कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, कोई समस्या ही नहीं है। फाई ई बराबर, देखो ई का मान आप सभी को दे रखा कितना है, 5×10^5 एस का मान, एस क्या चीज है, इसका क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी ना लाइक से ना लाइक व्यक्ति जानता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान आपको दे दिया 5×5, ये मान यहाँ पे रख देंगे अपन, यानी 22/7×5×5 कोस थीटा, कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान जानते होगे भी कितना होता है, 3/2। अब देखना इसको अपन डायरेक्टली सोल्व करते हैं, डायरेक्टली सोल्व करने का क्या तरीका अपने पास, कुछ मेरे को दिख नहीं रहा, अपन सीधा गुणा ही करते हैं, इसको गुणा करके मैं लिख देता हूँ फटाफट, 1.96×10^3, और चूंकि ये फाइ इसके फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो ये आ गया हमारा उत्तर। देखो कितना आसान सा है, कुछ भी नहीं करना, एक वृत्ताकार आपको शीट बता रखी थी, तो आपका फॉर्मूला तो वही है, ई एस कोस थीटा, चाहे आपको शीट दे चाहे कुछ भी दे दे भाई, अगले को तो देने की इच्छा है, आपको लेना चाहिए ई एस कोस थीटा, ठीक है। तो ई का मान आप सबने रख दिया, एस का मान आपने रख दिया यहाँ पे, एस के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और कोस थीटा का मान यहाँ पर √3/2 cos 30 के लिए आ गया, अपने रख के सॉल्व किया और ये अपना फाइनल रिजल्ट जो अपन को मिल गया। तो मित्रों इसी के साथ देखो यहाँ पर करता हूँ इस वीडियो की समाप्ति, अगली जो वीडियो की उसके अंदर हम लोग बात करेंगे जो गाउस का नियम है उसकी डिटेल से अपन बात करेंगे, जिसके अंदर हम गाउस के नियम को पहले व्युत्पन्न करेंगे, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज उनको अपन जानेंगे और जान पहचान कर अपने जो चैप्टर है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे, और आगे बहुत ही शानदार डेरिवेशन जो है वो आने वाले हैं, तो अपने दिल को जरा थाम कर रखना, धड़कने होने वाले थोड़ी सी तेज, और इन धड़कनों को थोड़ा थाम कर इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला जो कंटेंट है वो अपना होने वाला है बहुत ही ज्यादा शानदार, जिसके अंदर अभी जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उससे भी अच्छी गुणवत्ता, यानी और अच्छी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आपको जो नोट्स मिलने वाले हैं, इस वीडियो के जो नोट्स है वो तुरंत आपको अभी मैं अवेलेबल करवा दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा उसके माध्यम से। लेकिन आप सभी से मेरा एक आग्रह है कि जो भी नोट्स डाउनलोड करता है कम से कम वो तो भाई लाइक तो कर दे, लाइक करने में क्या कंजूसी है, क्योंकि व्यूज चले आते हैं लेकिन लाइक्स वही 10-15 रहते हैं, तो इतना आपको कंजूसी नहीं बरतनी है, अच्छा शानदार कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने की जो जिम्मेदारी वो मैंने ले रखी है, तो ऐसे में आपकी थोड़ा सा दायित्व तो ये बनता है कि आप जो है वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी खुद लें, खुद ही इनिशिएटिव लें, आपके जितने भी क्लासमेट है सबसे जो वीडियो का लिंक है वो शेयर करें, और मैं तो कहता हूँ पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आप लोग शेयर कर दें, ताकि सभी लाभान्वित हो गई, और केवल आप लोग इससे लाभान्वित नहीं होंगे, इससे मैं खुद भी लाभान्वित हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, उससे मुझे लगता है कि हाँ मेरा जो कंटेंट है वो पसंद किया जा रहा है, और आप सभी से जो मेरी उम्मीद है वो इसी प्रकार से लगातार बढ़ती रहती है, और आप लोग उसे तोड़ते रहते हो, है ना, गलत बात है। लेता हूँ अलविदा, अगली वीडियो में भी मुलाकात, जय हिंद, वंदे मातरम।